अंतर्गत जड़पुर में 6 लोगों ने दुर्गा पंडाल से लौट रही महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, उसका वीडियो बनाया था। पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार करने में पाई सफलता, उनके मकान पर चला बुलडोजर। सभी के मकान पर चला बुलडोजर। हनुमना थाना अंतर्गत जड़कुड़ में 6 लोगों ने महिला के साथ किया था दुष्कर्म, महिला का बनाया था वीडियो। सभी 6 आरोपी महिला की शिकायत के बाद हुए गिरफ्तार। प्रशासन ने सभी के मकान पर, जिले में एक बार फिर गैंग रेप का मामला सामने आने के बाद प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई। हम आपको बता दें, एक महिला के साथ 6 लोगों ने मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। दुष्कर्म के सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। दुर्गा पंडाल से लौटते समय आरोपियों ने महिला को जंगल में ले जाकर इस घटना को अंजाम दिया था। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बता दें, यह पूरा मामला रीवा जिले के हनुमना थाना क्षेत्र का है। युवती शादीशुदा है जो अपने मायके आई हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार 1 अक्टूबर की रात पीड़िता रात करीब 11 बजे गांव के दुर्गा पंडाल में दुर्गा आरती के बाद अपने घर जा रही थी। तभी रास्ते में अंधेरे का फायदा उठाते हुए आधा दर्जन बदमाशों ने उसे पकड़ लिया। बदमाशों ने उसे पकड़कर गांव के ही जड़कुड़ के जंगल में ले गए, जो गांव के पास ही था। उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़िता द्वारा 3 अक्टूबर को मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। हनुमना थाना क्षेत्र में एक युवती द्वारा बताया गया कि उनके साथ कुछ लोगों ने कृत्य को अंजाम दिया है। उसके पश्चात थाना की पूरी टीम सक्रिय हुई और हमारी महिला अधिकारी ने भी उनसे बैठ के पूरी चर्चा की, उनकी बात को समझा और अपराध पंजीबद्ध करने के साथ ही हमारी टीमों ने लगातार मेहनत की और हमने सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने राउंड अप कर लिया है। हमने इसमें विवेचना अधिकारी DSP रैंक के नियुक्त किए हैं और एक SIT बनाई है। साथ ही साथ हमने इसमें FSL टीम को भी संलग्न किया है, जो एविडेंस कलेक्शन में साइंटिफिकली अपना काम करेंगी और हम इस प्रकरण को इस प्रयास में है कि इसमें आरोपियों को सजा कराई जाए, इसे समाज में एक मैसेज जाए। इसके साथ ही अभी हमारी SDM SGP की टीम उस गांव में पहुंची हुई है जो आरोपियों का गांव है और वहां वो लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं कि किन व्यक्तियों द्वारा इन आरोपियों में से किन किन ने अवैध कब्जे, अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं और उस पर हम लोग कार्रवाई भी अतिशीघ्र करने का तैयारी कर रहे हैं। सर, आरोपियों के विवेचना के दौरान जब आरोपियों के मोबाइल से वीडियो की जानकारी मिली तो उस तारतम्य में उनको भी एविडेंस में शामिल किया जा रहा है और उसमें 88 की धारा बढ़ा के विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है।